बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग इन माय चैनल। इस चैनल में आपको मैं सिखाऊंगा प्रश्नों की श्रृंखला, हाउ टू सॉल्व देम एंड हाउ टू लर्न सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहा गया है योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। आपकी जो क्षमता है, आपका जो लिमिट, सीमिता, जो सीमित होता है, सीमित या कह सकते हैं कि आप, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याली पुलाव है। आप लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पावर है आपके पास। तो यूज़ कीजिए इस अनलिमिटेड पावर का सॉल्व करने में इस सवालों को। ऑल द बेस्ट। पूछा जा रहा है विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म थेरी गाथा या थेरी गाथा, जो भी है, क्या है ये थेरी गाथा? आई थिंक यू नो माय आंसर। आंसर इज शुड बी अ बी, इट इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, दैट कंपाइल्ड बाय द बुद्धिस्ट नन, थेरी गाथा। देखिए इसमें बताया गया है कि थेरी गाथा या थेरी गाथा इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट वाज कंपाइल्ड बाय द बुद्धिस्ट नन। लिटरली इसका मतलब होता है ओल्ड वुमेन। थेरी गाथा इज अ कलेक्शन ऑफ 73 पोएम्स रिटन बाय बुद्धिस्ट नन ओवर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स। थेरी रेफर्स टू ओल्डरली वुमेन। दो सुसन मार्कोट आर्ग्यूज दैट इट रेफर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड वुमेन, विशिष्ट वुमेन विद द विजडम एंड कैरेक्टर, जिसका बुद्धि, नॉट द मियरली एल्डरली नंस। इट इज सैड दैट द पोएम्स वेयर कंपोज्ड अ पास डाउन ओरली इन मगधी फॉर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मगधी भाषा में ओरली रूप से ये लोग अपने विचारों, पोएमों को बोला करते थे बिफोर बिकमिंग कंपाइल्ड इन पाली फर्स्ट सेंचुरी। इसको कंपाइल किया गया पाली में, ठहरी गाथा को। द पोएम्स आर रेंडिटेशन ऑफ स्टोरीज, सिचुएशन, इमोशंस दैट सीम रिमार्केबली एक्सटेंट, डिप्रेशन, लॉस, मैरिज, मदरहुड, बिट्रायल, मेनोपॉज एंड डेथ, ऑल द फीचर्स एज द कॉज ऑफ सफरिंग विच आर देन ओवरकम थ्रू द बुद्धिस्ट टीचिंग। डिस्पाइट स्मॉल साइज, साइज छोटा है, थेरी गाथा या थेरी गाथा इज वेरी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन द स्टडी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म एज वेल एज द अर्लीस्ट नन कलेक्शन ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। महिलाओं का अगर कोई साहित्य है तो वो थेरी गाथा, जिसमें महिलाओं से जुड़े जो बहुत संकट है सब कुछ का बताया गया उसके बारे में। थेरी गाथा कंटेन्स पासेज reaffirming the view that women are equal of men in the terms of spiritual attainment as well as verses that address the issue of a particular interest to women in ancient south asian society। agla prashna hai aapke screen par, consider the following statement regarding madhyamika school of thought। माध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज वन ऑफ द मेजर स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इट वॉज फाउंडेड बाय नागार्जुन। इट साउट टू हैव अ मिडिल पोजिशन बिटवीन द रियलिज्म ऑफ सर्वास्तिवादा स्कूल एंड द आइडियलिज्म ऑफ योगाचार। इसको क्या ये मिडियल पाथ था, विच आर द करेक्ट अबाउट मध्यमिका, माध्यमिका नाम से स्पष्ट है, दो और तीन सही है। पहली बात तो मध्यमिका स्कूल, इट इज वन द मेजर स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म, क्या महायाना बुद्धिज्म फिलोसफी पे टिका हुआ है मध्यमिका मार्ग। It was founded by the Acharya Nagarjuna, who was an important Buddhist
टीचर एंड फिलोसोफर बिलोंगिंग टू सातवाहन किंगडम अलोंग विद हिज डिसाइपल आर्यदेवा ही इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग ऑफ द मध्यमका या माध्यमिका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। मध्यमिका या फिर मध्यामिका डिराइव्स इट्स हैविंग सॉट एट अ मिडिल पोजिशन बिटवीन रियलिज्म ऑफ सर्वासवादिता डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल इज रियल एंड स्कूल ऑफ आइडियलिज्म ऑफ योगाचारा माइंड ओनली स्कूल। दोनों के बीच का रास्ता ही है, दोनों के बीच अवस्था में फंसा हुआ है। ठीक है, एक तरफ सर्वासवादिता और दूसरी तरफ है योगाचार, उसके बीच में है मध्यमिका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जैनिज्म द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस एंड ब्रह्मचार्य वेयर एडवोकेट बाय पारसनाथ। आगम्स वेयर द टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ महावीरा। जैन मॉन्क्स एंड नंस वेयर नॉट अलाउडेड टू पोजेस रिलीजियस बुक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर वो ऑफ नन एक्वायजन। तो सोचिए इसके बारे में, आगम क्या महावीर के शिक्षा पे लिखा गया टेक्स्ट है, क्या जैनिज्म ट्रूथ नॉन वायलेंस ब्रह्मचार्य जो जैन में था उसको प्रोवोकेट किया गया था पारसनाथ के द्वारा, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट कौन सा है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट के साथ अब दो और तीन बिल्कुल सही दिया हुआ है। महावीरा एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्राइन लेड डाउन बाय द पारसनाथ। पारसनाथ के द्वारा जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा जो भी मतलब रिलीजियस डॉक्ट्राइन दिया गया उसको सारा का सारा लगभग अधिकांश स्वीकार लिया गया था। He made some alteration and addition to the other. उसमें उसमें कुछ जोड़ा गया एक्स्ट्रा बातें। पारसनाथ एडवोकेट, पारसनाथ के द्वारा क्या क्या एडवोकेट किया गया था देखिए, जैसे कि ट्रूथ नॉन वायलेंस नॉन पजेशन और नॉट टू रिसीव एनीथिंग विच वॉज नॉट वॉलेंट्रली गिवन। और कोई भी ऐसा चीज़ आप रिसीव नहीं कीजिए जिसको स्वैच्छिक रूप से आपको ना दिया गया हो। धन तो बिल्कुल मत जमा कीजिए। टू दिस महावीरा एडेड, उसमें से महावीर ने एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया बस। तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य जो पांचवा शिक्षा था उसको महावीर जी ने जोड़ा था। महावीर बिलीव दैट सोल यानी जीव और मैटर अजीव आर द टू बेसिक एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। By the means of continued effort, soul can be relieved of bondage. आत्मा का अगर त्याग या फिर कहें तो मतलब मोह माया से अगर मुक्ति चाहते हैं तो लगातार प्रयास करिए। This is the final liberation, moksha of the soul. The liberated soul then becomes the pure soul. Religious text of Jainism, Agams, the text containing the teaching of Mahavira, called Agam. जो भी कुछ शिक्षा था, जो ज्ञान था महावीर का, उसको टेक्स्ट में जो लिखा गया उसको आगम कहा गया है। एंड द कॉनोनिकल लिटरेचर स्क्रिप्चर्स ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म, और ये श्वेतांबर जैनिज्म पे विचार है। महावीरा's disciples compiled his words into text or sutras and memorize them to pass to the textual future generation. याद कर लिया करते थे वो लोग, रट लेते थे ताकि अगले जनरेशन को उसको दिया जा सके। The text had to be memorized since Jain monks and nuns were not allowed to possess religious books. वो religious books नहीं रखते थे अपने पास as a part of to the bow the nun acquisition. Nor rarely they allowed it to write, और ना ही उन्हें कुछ लिखने का अधिकार भी था।
जैन थियोलॉजी डेवलप्ड बाय आफ्टर महावीरा थ्रू द टीचिंग ऑफ अ पार्टिकुलरली लर्न मॉन्क। जैन थियोलॉजी जो कि महावीर के बाद खास करके जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा पहुँचाया गया। दिस टीचिंग टू हैड टू बी मेमोराइज, इसको भी याद ही करने पर फोकस किया गया। एंड सो द अमाउंट दैट द मॉन्क्स हैड टू रिमेंबर स्टेडली इंक्रीज, तो याद करने वाले जो प्रथा थी उसका मात्रा बढ़ता चला गया। उन्होंने किताबों पे कभी जोर नहीं दिया कि किताब वो बना लेते हैं किसी को पढ़ेगा, नहीं, सब कुछ याद कर लेंगे और अपना ट्रांसफर करते जाएंगे। द सिक्स थेरा ऑफ जैन ऑर्डर भद्रबाहु वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्ररी थे ये भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य। महावीरा हैड 11 डिसाइपल, महावीरा के 11 शिष्य हुआ करते थे। एज द गंधारास हेड ऑफ द स्कूल, जिसको गंधारास कहा गया या हेड ऑफ स्कूल। आर्या सुधर्मा वॉज द ओनली गंधारा हु सर्वाइव महावीरा एंड बिकम द फर्स्ट थेरा चीफ प्रसेप्टर ऑफ द जैन ऑर्डर। ही डेड 20 years आफ्टर द महावीरा डेथ, महावीरा की मृत्यु के 20 साल बाद उनकी मृत्यु हुई गंधारा या गंधर। द जैन ऑर्डर इन द डेज ऑफ द लेट नंद किंग वॉज एडमिनिस्ट्रेट बाय द टू थेरा, एक था सुमुत समहुत बाजिया एविजिया, दूसरा था भद्रबाहु। भद्रबाहु द सिक्स थेरा, सिक्स जो थेरा था वो भद्रबाहु था, कंटेम्प्रेरी ऑफ मौर्यन किंगडम चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द लास्ट आचार्य ऑफ द यूनाइट अनडिवाइडेड जैन संघ, जैन संघ का अंतिम अनडिवाइडेड जब जैन संघ था उस समय जो लास्ट आचार्य थे उनका नाम था भद्रबाहु और छठे थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड ही माइग्रेटेड विद भद्रबाहु टू साउथ स्प्रेड जैनिज्म। जैनिज्म का दक्षिण में जो विस्तार हुआ वो भद्रबाहु के कारण ही तो हुआ है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को वो उठा के ले गए चले गए, मतलब उनके विचारों को प्रभावित किया और उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया। विद द रेफरेंस टू द जैन काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैक्रेड टीचिंग ऑफ महावीरा वेयर डिवाइडेड इंटू 12 अंगा इन द फर्स्ट जैन काउंसिल। द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड बाय देवा रथी शर्मना शर्मा का लिखा है समासेमा खासमेमा जो भी है देवारथी याद रखिए खाली। इसका सही जवाब है 2 और 1 दोनों। देखिए टू वॉच द क्लोज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रूलिंग ए टेरिबल फेमाइन, भयानक चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन समाप्त हो रहा था उसके बाद एक बहुत बड़ा अकाल आया साउथ बिहार में और ये लगभग 12 साल तक रहा। सोच लीजिए ऐसा अकाल जो 12 साल तक टिका हो, चंद्रगुप्त मौर्य की इंडस्ट्री कहाँ चली गई है। भद्रबाहु एंड हिज डिसाइपल, भद्रबाहु और उसके शिष्य ने माइग्रेटेड कर लिया सर्वन वेलगोला इन कर्नाटका चले गए वो लोग। अदर जेंट्स जो कि मगध में ही रह गए उन्हें कहा गया स्थूल भद्रबाहु या स्थूल भद्रा एज देयर लीडर। जो जैन मगध में ही टिक गए उनको कहा गया स्थल भद्रा। फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैन वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्थल भद्रभद्र या स्थूल भद्र इन 300 BC। इट रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा रिप्लेसिंग द लॉस्ट ऑफ 14 पूर्वा। 12 अंगों का यहाँ पर कंपाइलेशन किया गया स्थूल भद्रा के चेयरमैनशिप में पाटलिपुत्रा में 300 BC में। सेकेंड काउंसिल जैन काउंसिल जो था वो बल्लभी में हुआ था
चेयरमैनशिप इसके कर रहे थे देवरथी कस्मा सेमाना इन 520 AD। इट रिजल्टेड इन द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा एंड 12 उपंगा। 12 अंग और 12 उपांग का फाइनल कंपाइलेशन जो है सेकेंड जैन काउंसिल में बल्लवी में देवरथी के चेयरमैनशिप में किया गया और फाइनल कंपाइलेशन किया गया 12 अंगों का और उपांगों का। हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्पररी ऑफ महावीरा एंड गौतम बुद्धा एज वेल एज द चीफ प्रोमिनेंट ऑफ आजीविका सेक्ट। तो कौन महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे और बहुत बड़े मतलब एक तरह से प्रवर्तक थे आजीविक सेक्ट के। तो मकाली पुट्टे गोसाला यस मकाली गोसा आजीविक आर सेट टू बी शूद्रा सन्यासी। आजीविक को जनरली शूद्रा सन्यासी कहा जाता है। दिस सेक्ट वाज सेट टू बी एस्टेब्लिश बाय नंदा बच्चा हु वॉज फॉलोड बाय ईसा संकिच्चा। द थर्ड रिलीजियस चीफ वॉज मकाली गोसाला हु पॉपुलराइज आजीविक सेक्ट। ही डिनाइड द थ्योरी ऑफ कर्म उसने कर्मा के सिद्धांत को नकार दिया। एंड आर्ग्यू द मेन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ नेचर मनुष्य जो है ना प्रकृति के नियमों से बना हुआ है वो उसके कर्म को निर्धारित करता है। अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आजीविका बिलीव दैट द थॉट एंड दैट थॉट और डीड दोनों पर विश्वास करता था ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर प्री डिटरमाइंड। सोच लीजिए आपका कर्म आपका विचार जो है ना ऑलरेडी डिटरमाइंड है। आजीविक लोग ऐसे विश्वास कर देते हैं। दे डिड नॉट बिलीव दैट देयर वॉज एनी स्पेशल कॉज फॉर ईदर द मिजरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो इस बात को विश्वास करते ही नहीं थे कि आपके संकट का कारण आपके दुखों का कारण ठीक है फॉर देयर डिलीवरेंसेस। दे डिड नॉट बिलीव द ह्यूमन एफर्ट मनुष्य के प्रयास को वो नकारते थे। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। दे डिड नॉट बिलीव द ह्यूमन एफर्ट एंड हेल्ड दैट ऑल द क्रिएचर्स वेयर हेल्पलेस अगेंस्ट द डेस्टिनी। भाग के आगे आप बेबस है। आपने वो गाना सुना है ना अपना सोचा कभी नहीं होता भाग करे सो होए। तो वही गाना जो है ना इसी विचार पे लिखा गया है ठीक है। आजीविक के थॉट पर लिख दिया गया है। सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप चाह के भी हाथ पैर मार लीजिए कपार में जो लिखा गया है ना वही मिलेगा। गोसाला मेंटेन दैट ऑल द क्रिएचर्स हैड टू फेस मिजरी। सभी को संकटों का दुखों का सामना तो करना पड़ेगा। हैड टू फेस एंड इट वुड एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ फिक्स साइकिल। और जो साइकिल बना है ना जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप इसी चक्का करो घूमते रहिए। नो ह्यूमन एफर्ट वुड रिड्यूस और लेंथन द पीरियड। और इसको कोई बढ़ा भी नहीं सकता है कम भी नहीं कर सकता है। वो तो मिलेगा भैया। गोसाला इज डिस्क्राइब द एंशियंट टेक्स्ट एज ए कंटेम्प्ररी ऑफ महावीरा ऑफ द 44th तीर्थंकर जैनिज्म एंड गौतम बुद्धा। गोसाला जो थी ना उन्हें डिस्क्राइब किया था एंशियंट टेक्स्ट जो कि कंटेम्प्ररी था महावीर का और बुद्धा का विद रेफरेंस टू द डिफरेंसेस बिटवीन द श्वेतंबर एंड दिगंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्वेतंबर होल्ड द व्यू that women can not obtain liberation without being reborn as a male। जब तक महिला पुरुष के रूप में जन्म नहीं ले लेती है वो अपने आप को आजाद अपना मोक्ष तो बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकती है।
दिगंबर होल्ड द व्यू दैट द सेंट हु हैज ऑब्टेंड परफेक्ट नॉलेज नीड्स नो फूड। दिगंबर का कहना था कि जो लोग परफेक्ट ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं उनको भोजन की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना भोजन के जी सकते हैं। दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में आप दोनों स्टेटमेंट अच्छा से समझ लीजिए। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? आई थिंक यू नो अबाउट दैट, बी इज द राइट आंसर। या जैन ऑर्डर जो कि डिवाइडेड हो गया था दो सेक्ट में, टू मेजर सेक्ट में, पहला था दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है स्काई, दिगंबर मीनिंग स्काई क्लैड, ट्रेडिशन डू नॉट फियर क्लोथ, वस्त्र नहीं पहनेंगे, नग्न रहेंगे। फीमेल मोनास्टिक्स ऑफ दिगंबर सेक्ट वेयर अनस्टिचेस प्लेन वाइट साड़ी, मतलब ढीला ढाला, बहुत ज़्यादा स्टिच प्लेन साड़ी पहनना है, एंड आर रेफर टू एज आरिकास, आरिकास कहा गया उसको, आरिकास। दे वेयर लेड बाय आचार्य भद्रबाहु, तो उनका जो लीडर था, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो भद्रबाहु थे। तो दिगंबर के बारे में आप जान लिए, अब चलते हैं श्वेतंबर के बारे में। श्वेतंबर का सीधा मतलब होता है वाइट क्लेट, जो सादे वस्त्र का धारण करते थे, मोनास्टिक्स। ऑन द अदर हैंड वियर सीमलेस वाइट क्लोथ्स, दे वेयर लेड बाय स्थूल भद्रा, तो ये स्थूल भद्रा के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया इसका। दिगंबर्स बिलीव दैट, दिगंबर का क्या मानना था, वुमेन लैक्स द एडमेंटाइन बॉडी एंड रिजिट विल नेसेसरी टू अटेन मोक्षा, मतलब लिबरेशन, हेंस शी मस्ट बी रिबोर्न एज ए मैन बिफोर सच एन अटेनमेंट इज पॉसिबल। तो पहले तो आपको औरत से पुरुष में जन्म लेना पड़ेगा, दिगंबर का ऐसा कहना था महिलाओं के प्रति। बट श्वेतंबर होल्ड कंट्ररी व्यू, लेकिन श्वेतंबर इसके विपरीत थे। मेंटेन द वुमेन आर कैपेबल इन प्रेजेंट लाइफ टाइम ऑफ द सेम स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट एज अ मेन। तो श्वेतंबर इज समथिंग नारीवादी, प्रो फेमिनिज्म था, जबकि दिगंबर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को धिक्कार रहा था कि महिलाएं जो है ना वो पुरुष से थोड़ा सा कमतर है। दिगंबर होल्ड द व्यू दैट द सेंट हु ऑब्टेन परफेक्ट नॉलेज, दिगंबर का मानना था कि जो भी संत ने परफेक्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको भोजन की जरूरत नहीं है। श्वेतंबर डू नॉट एक्सेप्ट, श्वेतंबर ने बोला नहीं ये बात सही नहीं है। दिगंबर बोलता हाँ भोजन तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए परफेक्ट ज्ञान हो जाता। दिगंबर सेट बिलीव दैट ड्यूरिंग द फेमाइन ऑल आगम वेयर लॉस्ट, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दिगंबर जैन ऑफ द साउथ वेयर रिटन इन द महाराष्ट्री एंड सूरसेनी प्राकृत, वाइल श्वेतंबर सेट बिलीव्स द मेजोरिटी ऑफ दिस टेक्स्ट सर्वाइव्ड। श्वेतंबर जैन कैनन वॉज रिटन इन अर्धमगधी प्राकृत, श्वेतंबर जो है वो अर्धमगधी प्राकृत में लिखा गया। दिगंबर इज द आइडल तीर्थंकर, हैव डाउन कास्ट आइज, दिगंबर इमेजेज आर प्लेन, मतलब ऑलवेज कार्व्ड एज ए नेकेड फिगर, वाइल श्वेतंबर आइडल एज अ प्रोमिनेंट स्टेयरिंग आईज, श्वेतंबर इमेजेज आर रिचली डिकोरेटेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। दिगंबर आइडल को क्या करते थे, बहुत सिंपल बनाते थे, ठीक है, नेकेड फिगर, क्योंकि दिगंबर का विश्वास ही वही था, मतलब आंखें झुके होना, डाउन आइस्ड प्लेन, जबकि श्वेतंबर जो है ना वो आइडल वर्शिप में बहुत ही प्रोमिनेंट थे, और आंखें बहुत एकदम भयानक स्टेयरिंग आंखें, घूरने वाली आंखें, और इमेज इनका बहुत ही डिकोरेटेड हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबसेट ऑफ श्वेतांबर सेट. श्वेतांबर सेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है. विश पंथा, तेरा पंथा और सतना का वसी, विच आर द कोड, कौन कौन सा सब सेक्ट है श्वेतांबर का, विपासा या विस्पंथा, तेरा पंथा, सतना का वासी. आई थिंक केवल तीन दिया हुआ है, ओनली एंड ओनली थ्री. श्वेतांबर सेक्ट हैज बीन स्प्लिट इनटू थ्री मेन सब सेक्ट. श्वेतांबर भी टूट गया, सोचिए पहले तो जैनिज्म टूटा दो सेक्ट में, उसके बाद श्वेतांबर तीन सेक्ट में टूट गया. एक था मूर्ति पूज का, दे आर थोरो वर्शिपर ऑफ आइडल्स, दे ऑफर फॉलोअर्स फ्लावर्स फ्रूट्स सेफ्रन टू देयर आइडल्स and invariably adorn them with the rich clothes and jeweled ornaments. तो मूर्ति पूजा जो आज जैसा हो रहा है उसी तरह है, बस सितंबर लोग करा क्या करते थे. एक था स्थानवासी या स्थानवासी स्थानकवासी they took the name of स्थानकवासी reformer, meaning those who do not have their religious activities in the temples, मतलब who do not have their religious activities in temples but carry on their religious duties in place known as sthanaks which are like the prayer halls. मंदिर में पूजा नहीं करते थे लोग, बस अपनी ड्यूटी जो परफॉर्म करते थे उसको स्थानकवास कहा गया है, जैसे कि प्रेयर हॉल होता है. स्थानकवासी डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप करते ही नहीं थे. पहली बार मूर्ति पूजा के ये मतलब विरोधी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये नहीं करते थे. तेरा पंथी सबसेक्ट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी भिखाजी महाराज. तेरा पंथी की स्थापना स्वामी भिखाजी महाराज के द्वारा किया गया. ही लेड स्ट्रेस ऑन 13 रिलीजियस प्रिंसिपल, नेमली 5 महावर्त और 5 समिति और 3 गुप्तस में कंट्रोल ऑफ रेस्ट्रेन. दिगंबर सेक्ट इन द रिसेंट सेंचुरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सबसेक्ट. आज के समय में दिगंबर का कुछ टूटा हिस्सा देखिए, एक है बिसा पंथ. द फॉलोअर ऑफ बिसा पंथ सपोर्ट द भट्टारकास धर्मगुरु रिलीजियस अथॉरिटी हु आर द हेड्स ऑफ जैन मठ्स religious monasteries. The Bisa Panths in their temples worship the idols of Tirthankars and also the idols of Chhatrapala, Padmavati और भी deities. तो मतलब overall Bisa Panthi लोग idol worshipper थे. एक तेरा पंथ install the idol of Tirthankars and नॉट द क्षेत्रपाला पद्मावती एंड अदर डिटीज. वो केवल तीर्थंकर के ही आइडल स्थापित किए थे. तेरा पंथा या फिर श्यामया पंथा नन आफ्टर इट्स फाउंडर ताराना स्वामी वर्शिप सारनाया सेक्रेट बुक्स एंड नॉट द आइडल्स. तो ये सेक्रेट बुक्स की पूजा करते थे, ताराना पंथा आइडल्स की पूजा नहीं करते थे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द सुप्रीम क्रिएटर. महावीर जी को बिलीव नहीं था सुप्रीम क्रिएटर. द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इज द सेम एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. मतलब जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट था ना वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बराबर है. द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ महावीरा आर नोन एज पूर्वा. चलिए सुप्रीम क्रिएटर पर विश्वास ना करना सही बात है, आपको लगता है क्या? नहीं, सही बात है. 1 और 3 सही. देखिए महावीरा अलोक एडवोकेट अ लाइफ ऑफ सीवर स्केटिज्म एन एक्सट्रीम पेनेंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा.
निर्वाण प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करना पड़ता है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट प्राप्त करना पड़ता है। निर्वाण को कहते हैं हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट, और इसके लिए आपको अपनी जिंदगी बहुत ही सीबर स्केटिज्म में जीना होगा, एकदम पवित्र जीना होगा, बहुत कठोर जिंदगी जीनी पड़ेगी। ही बिलीव द वर्ल्ड हैज नॉट क्रिएटेड बाय एनी सुप्रीम गॉड। दुनिया या विशाल ये जो वर्ल्ड है ना, वो किसी क्रिएटर के द्वारा या कोई सुप्रीम यहाँ पर नहीं है जो उसको बना के चला गया। द वर्ल्ड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इटर्नल लॉ ऑफ डीके एंड डेवलपमेंट। दुनिया जो चल रही है वो इटर्नल लॉ, इसका एक सात्विक नियम है, विकास और क्षय, उसके सिद्धांत पे काम कर रही है। ही थॉट दैट ऑल ऑब्जेक्ट, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, उनके पास एक आत्मा होता है, सब में आत्मा होती है। ही बिलीव दैट दे फील पेन, इन्फ्लुएंस ऑफ इंजरी। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, उन्होंने बोला वेद की अथॉरिटी को हम नहीं मानते हैं। ऑब्जेक्टेड द वैदिक रिचुअल्स, ये वैदिक रिचुअल्स को उन्होंने नकारा। एंड सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को तो उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं, इसे हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने ना तो वेद को स्वीकारा, ना ही वैदिक रिचुअल्स को स्वीकारा, और ना ही ब्राह्मण्स को, और ना ही उनके ब्राह्मण की बपोती को, आई मीन उसकी सुप्रीमेसी को। इन जैनिज्म मोक्ष कहिए या निर्वाण कहिए, इज द फ्रीडम फ्रॉम मिजरी। जब आप अपने दुखों से स्वतंत्र हो जाते हैं, आपकी संकट आपके खत्म हो जाते हैं, एंड कैन बी अटेंड ओनली एंड ओनली आफ्टर द डेथ, और मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। वाइल अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म, लेकिन बुद्धिज्म मेन अटेंड मोक्ष निर्वाण, वैन ही इंस ऑल द डिजायर, जब आपके सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है तब आप अटेंड कर सकते हैं मोक्ष निर्वाण। एंड कैन बी अटेंड इट वाइल लिविंग इन द वर्ल्ड, और दुनिया में रहकर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैनिज्म बोलता नहीं, आपको पहले मरना पड़ेगा तब आपको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिल ही नहीं सकता है बिना मरे। लेकिन बुद्धिज्म बोलता नहीं, मरने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए। आप अपनी इच्छाओं का अंत कर लीजिए, दुनिया में रहते हुए आपको मोक्ष मिल जाएगा, परलोक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। टीचिंग ऑफ महावीरा वेयर फर्स्ट प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेट टेक्स्ट, जिसको कहा गया है बुद्ध अपूर्वा। तो महावीर के जो पहला जो सैक्रेट टीचिंग था, जो मतलब विचार थे, उसको टेक्स्ट में उतारा गया, उनका कहा गया पूर्वास। 14 पूर्वास ट्रांसलेटेड एज ए एंशियंट और प्रायर नॉलेज एज अ लार्ज बॉडी ऑफ द जैन स्क्रिप्चर दैट वॉज प्रीच्ड बाय द ऑल तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म इन कंपासिंग द एंटायर गॉमेट ऑफ नॉलेज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। दुनिया की जितनी भी नॉलेज थी सबको सब इसमें तीर्थंकर में शामिल कर लिया गया है। बौद्ध जैन ट्रेडिशन, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर, होल्ड दैट ऑल द 14 पूर्वास हैव बीन लॉस्ट। दोनों का मतलब मान लिया गया है कि जितने भी जैन ट्रेडिशंस हैं, श्वेतांबर हो दिगंबर हो, दो बौद्ध दोनों, होल्ड दैट ऑल द 14 पूर्वास हैव बीन लॉस्ट, खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है, हरा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग इन जैनिज्म इन इंडिया। अब ये जैनिज्म का अंत कैसे हो गया या खत्म कैसे हो गया भारत में, सर क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, अन इंटेलिजेंट लिबरल फिलॉसफी, सिवर्टी ऑफ जैनिज्म, सब है सम द मेजर कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ जैनिज्म। लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, पैट्रोनेज, इनिशियल टेम्पो ऑफ रॉयल पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म बाय बिंबिसारा। कौन कौन इसको संरक्षण देता था शुरुआत में? बिंबिसारा या बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयीन, खारवेल वॉज नॉट कैप्ट अप बाय द किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ लेटर टाइम्स विच लेड टू इट्स डिक्लाइन। तो रॉयल पैट्रोनेज राजकीय संरक्षण नहीं मिला जो पहले मिल रहा हो करता था। दूसरा है अनइंटेलिजिबल पॉलिसी या फिलॉसफी, अनइंटेलिजिबल अव्यवहारिक। मोस्ट ऑफ द जैन फिलॉसफी वॉज अनइंटेलिजिबल एंड अनइंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल होता ना, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, कुछ मतलब तार्किकता होनी चाहिए, वो मतलब लोगों को सही नहीं लगा जैनिज्म फिलॉसफी। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा आजीवा पुद्गल
सियादबाद could not be understood properly by the common men. लोग समझ ही नहीं पाते थे क्या हुआ, अजीब अजीब पुद्गल सियादबाद. Many could not accept the view that stone, water, tree or earth had a soul in their one. लोग तो विश्वास ही नहीं कर सकते थे, कैसे पत्थर में, कैसे ट्री में, कैसे धरती में, कैसे पानी में जीवन है. How can you say? There was thus a gradual declining in popular faith of Jainism. और इसके बाद वो डिक्लाइन किए रास्ते पर चलता चला गया. दूसरा है सेवर्टी, बहुत मतलब सेवर्टी बहुत ज़्यादा था, बहुत कष्ट होता था इस. अनलाइक द मिडिल पाथ और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म तो मिडिल पाथ की बात करता है, लेकिन जैनिज्म जो है ना वो बहुत ही कठिन पेनांस, बहुत कष्ट संकट है भैया. मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, फास्टिंग करना पड़ेगा, रेस्ट्रेंट रहना पड़ेगा, त्यागी, आत्म त्यागी, फोकस, डिसिप्लिन्ड, कष्टदायक, ऑल दीज वेयर टू सीवर टू इंडियोर. इतना कष्ट, इतना मतलब कठिन था ना, इस पर चलना बहुत मुश्किल था. कांटों की रास्ता, कांटों की सेज, तलवार की नोक, ऐसी वर्दे आपको समझ में आती है ना. पीपुल सून बिकम डिज इल्यूजन, लोग भ्रमित हो गए. इन द कोर्स ऑफ टाइम जैनिज्म वंस अडोर्ड बिकम एलिनेटेड फ्रॉम द पीपल. बस धीरे 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 करके समाप्त हो गया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नायक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. नायक स्टाइल के बारे में पूछा जा रहा है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इज हाई एंड मल्टी स्टोरीड गोपुरम. मतलब ले गोपुरम, ले गोपुरम, ले गोपुरम, गोपुरम पे गोपुरम, मल्टी स्टेड गोपुरम, ऐसा है का नायक स्टाइल. द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नायक स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इज मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई. मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में तो है, क्या ये नायक स्टाइल पर बना हुआ है? That's important to know about it. Let's see which are the correct. I think you know. See the right answer. बहुत दोनों correct है. देखो नायक, जैसे भी नायक style है वो emerge होता है South India में after the downfall of विजयनगर साम्राज्य. 1565 में राजस्थंगड़ी का युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति होती है. उसके बाद नायक dynasties, नायक नायक संप्रदाय, नायक मतलब साम्राज्य का उदय होता है South India में 1565 के बाद. When नायक मिलिट्री गवर्नस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस देन रूल्ड फ्रॉम, मतलब 200 साल इनका शासनकाल 16 से 18वीं शताब्दी तक नायक, नायक रूल्ड, नायक रूल वाज नोटेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इट्स आर्टिस्टिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स, क्रिएशन ऑफ ए यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑल्सो रिनोवेटेड टेम्पल्स दैट हैड बीन फैक्ट बाय दी दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो कुछ बनाया गया था उसमें और रिनोवेशन कर दिया गया. देयर आर मेनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ नायक स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर एज पॉइंटेड बाय नायक ऑफ मदुराई एंड तंजोर अमोंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट्स सी. सबसे पहले होता है लॉन्ग कॉरिडोर, एक लंबा सा कॉरिडोर होता है, ये कॉरिडोर है, ठीक है. कार्व 100 pillars, 1000 khamba, 100 khamba एंड 1000 pillars मंडप्स, 1000 से ज़्यादा मंडप्स, 1000 pillar वाला मंडप, आउटडोर टेम्पल होल, हाई मल्टी स्टोरीड गोपुरम टावर एडोर्निंग एंट्रेंस ऑफ अ टेम्पल. जब आप दरवाजे में घुसिएगा ना, इतना विशाल होगा ना, इतना ऊंचा यह गोपुरम खड़ा किया जाता है. रिचली डेकोरेटेड, बहुत ही सजाया हुआ, बहुत ही अच्छा तरह से सजाया हुआ, उसको देखते रहिएगा. ब्राइटली पेंटेड, दूर से चमकेगा स्टोन. स्टैचू ऑफ एनिमल्स, गॉड्स, राक्षस सब मिलता था उसमें. द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नायक स्टाइल इज मीनाक्षी टेम्पल. मीनाक्षी अमानन टेम्पल एट मदुराई, जिसका स्थापना, जिसका बिल्ड किया था 1623 से 1655 के दरमियान. द टेम्पल्स हैज टर्न 10 ओरना ऑर्नेट गोपुरम, 10 दरवाजे, सोचो
दस ऑर्नेट गोपुरम एंड हॉल विथ 985 पिलर्स। और हॉल में घुसेगा तो 1985 को पिलर ही है, ईच ऑफ विच स्कल्पचर इन द्रविड़ियन स्टाइल, सबको द्रविड़ियन स्टाइल में बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। द टेम्पल कम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्लूड्स सेक्रेट टेम्पल टैंक, इसके अंदर एक टैंक ही मिल जाएगा मंदिर के अंदर। द पोर्था मराई कुलम अपॉन्ड विथ गोल्डन लोटस, वहाँ पर एक गोल्डन लोटस है। ए पोर्टिको ऑन द वाइड साइड ऑफ द टैंक कंटेन्स रेमनेंट्स ऑफ नायक पेंटिंग 17th-18th century तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एलोरा केव, एलोरा केव के बारे में पूछा जा रहा है। दे आर द बुद्धिस्ट केव, दे आर बिल्ट बाय द ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला, इट इज डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल 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 सही है। अब बाकी आप जानते ही हैं, इसका सही जवाब है केवल और केवल तीन, क्योंकि एलोरा केव्स एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। एक इसमें 17 हिंदू, 13-29 नंबर का जो केव है उसमें हिंदू है, बुद्धिस्ट केव है ये वो 1-12, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन केव्स है एलोरा में। इट्स फीचर इज द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एक्सकेवेशन, एक पत्थर को काट के कैलाश टेम्पल बना दिया गया, एक पत्थर को ही काट कर मोनोलिथिक रॉक्स एक्सकेवेशन, दुनिया का सबसे अद्भुत नमूना। ए चैरियट शेप मोनूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, मतलब घोड़े के मतलब रथ के आकार का, रथ के आकार का पूरा जो है ना कैलाश टेम्पल उसी पर मतलब लॉर्ड शिव का बना हुआ है। ऑल द एलोरा मोनूमेंट्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा, जितने भी है ना सब के सब बनाए गए हैं राष्ट्रकूटा के समय। विच कंस्ट्रक्टेड अ पार्ट ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट केप्स एंड यादव डायनेस्टी, एंड द यादव डायनेस्टी विच कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ जैन केप्स। तो ध्यान रहे राष्ट्रकूटा ने हिंदू और बौद्ध बनाया, ठीक है, लेकिन यादव डायनेस्टी जो आया बाद में उसने उसमें नंबर ऑफ जैन केप्स बनाए। द फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स वॉज प्रोवाइडेड बाय रॉयल्स ट्रेडर्स वेल्दी ऑफ द रीजन, जो उसकी मतलब भव्यता को बताता है। ऑल्दो द केप्स सर्व्ड एज अ टेम्पल अ रेस्ट स्टॉप फॉर द पिलग्रिमेज द साइट लोकेशन ऑन द एंशेंट साउथ एशियन ट्रेड रूट ऑल्सो मेड इट एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर इन द दक्कन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग, नागरा स्टाइल टेम्पल शिखरा या शिखर रिमेन्स द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द टेम्पल एंड द गेटवे इज यूजली मोडेस्ट और इवन अब्सेंट, कभी कभी गेटवे हुआ नहीं करता था लेकिन शिखर इसमें इंपॉर्टेंट था, क्या ऐसा आ गया। इन द्रविड स्टाइल द टेम्पल गंगा और यमुना रिवर्स आर डिपिक्टेड इन पर्सोनिफाइड फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ गहिर गर्भगिर। विष्णु टेम्पल एट देवगर इज अ नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, देवगढ़ में जो विष्णु टेम्पल है यूपी में है शायद, इस नागरा स्टाइल में आर्किटेक्चर में बना हुआ है। सोचिए गंगा यमुना रिवर्स आर डिपिक्टेड, क्या द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल में गंगा यमुना को डिपिक्टेड किया गया है। चलिए सही जवाब आपको मिल चुका होगा, इसके सही जवाब है बी, 1 और 3 सही है, दूसरा बात गलत है, क्योंकि नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर ले हम लोग तो इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे भारत में है ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द कंट्री, बट मेनली अगर कहा जाए तो ये पड़ता है नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे भारत में है लेकिन मेनली अगर कहा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में पड़ेगा। डेवलप्ड अराउंड 5th century 5वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास हुआ। नागरा स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाय बीहाइव शेप टावर, बीहाइव मतलब समझते ना मधुमक्खी के छत्ता का जैसा, जिसको कहा गया है शिखर ऑन अ
कुर्सी फॉरम बेस, सपोज ये है कुर्सी तो उसके ऊपर टावर, इस तरह से कुर्सी फॉरम बेस, या फिर ऐसे ये ले लीजिए ना। इन द नॉर्दर्न टर्मिनोलॉजी मेड ऑफ अ लेयर अपॉन लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, लेयर 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 लेयर, इस तरह से मंदिर बनता था, समझे। इन द नागराज स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द शिखर रिमेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिखर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था ऑन द टेम्पल, एंड द गेटवे इज यूजली मॉडेस्ट, और कभी कभी तो गेटवे होता है, मतलब मुख्य दरबार ऐसा कुछ होता नहीं था, गेटवे फेटवे मतलब बहुत कम चांस था, होता था नहीं भी। इन नागराज स्टाइल गंगा यमुना रिवर्स आर डिपिक्टेड इन पर्सोनिफाइड फॉर्म, मतलब गंगा यमुना देवी को या देवता को मतलब पर्सोनिफाइड कर दिया गया है इन द पर्सोनिफाइड फॉर्म में, एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह और सैंक्टम सैंक्चुअरी, गर्भगृह में प्रवेश कीजिए ना उससे पहले आपको गंगा यमुना की दर्शन हो जाएगी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल नागर टेम्पल, इसमें सबसे पहला अगर नाम लीजिए तो खजुराहो, अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, विष्णु टेम्पल जो देवघर में पड़ेगा, सन टेम्पल जो कोणार्क में पड़ेगा, सन टेम्पल जो मोढ़ेरा में है गुजरात में, समझे ना। द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो दिस इज मेनली रिलेटेड टू टेम्पल बिल्डिंग साउथ स्टाइल, साउदर्न इंडिया में जो है वो द्रविड़ा स्टाइल है। द्रविड़ियन स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर वॉज स्टाइल आर्किटेक्चर दैट इमर्ज थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, आज से हजारों साल पहले, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द साउथ इंडिया, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पल्लव, पल्लव के समय शुरू हुआ और अपने ऊंचाई पर चोल के दरमियान पहुंच गया, चोल के समय ये ऊंचाई पर था, जैनत पर था, यहाँ पर चोल, यहाँ पर पल्लव, ठीक है। पल्लव ने शुरुआत की लेकिन इसका प्रकाष्ठा जो था वो चोल शासन के समय था। द प्रिंसिपल पार्ट अगर कहे तो टेम्पल का इट्सेल्फ, द टेम्पल इट्सेल्फ खुद मंदिर, इट इज कॉल्ड विमान, ये विमान इसका सबसे प्रमुख होता था, विमानम, इट इज द ऑलवेज स्क्वायर, ध्यान किया ऑलमोस्ट स्क्वायर, ये लगभग स्क्वायर ही होता था इसका विमान, इन प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय पिरामिडिकल रूप ऑफ वन और मोर स्टोर, तो एक तरह से ये ऐसे विमान है तो इसके ऊपर टावर पे टावर चलेगा, ठीक है, पिरामिड शेप में, एकदम पिरामिड शेप में इस तरह से। द मंडपम विच आर प्रिसीडेड द डोर लीडिंग टू द सेंट्रल श्राइन गेट पिरामिड गोपुरम विच आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द क्वाड्रेटरल क्वाड्रेंगुलर इनक्लोजर दैट सराउंडेड बाय मोर नोटेबल टेम्पल्स, तो अगर ये मंदिर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको पहले वो विशाल गेट मिलेगा, आइए स्वागत है आपका इस मंदिर में, ये मंदिर है सपोज, इतना सुंदर गेट होता था ना इसका, अब गेट देख के ही मोहित हो जाइएगा, तो इसको बोलते थे गोपुरम गेट पिरामिड्स which are the principal feature of the quadrangular enclosure that surrounded the more notable temples. Pillared hall, जिसको चावड़ीज बोलते हैं, चावड़ीज, pillar holes are used many purposes and are invariable accompaniments of these temples. Crowning part is called shikhar. Unlike the northern temple, which is whole vertical structure, it is called shikhar. पूरा का पूरा खड़ा होता था इसका शिखर, खड़ा है सुने ना मैं कहना, उसी तरह से इसका शिखर एकदम पूरा खड़ा होता था, समझे, एकदम खड़ा, फ्लैट नहीं, खड़ा, एकदम खड़ा इस तरह से। It is a common टू फाइंड ए लार्ज वाटर रिसीवर, पानी का टंकी तो वहाँ मिलेगा ही आपको तालाब उसके मंदिर की चारों दीवार के अंदर। द ड्राइड द्रविड़िया स्टाइल या द्वारपाल, द्वारपाल्स आर द मोर, जो एंट्रेंस था ना वो होना ही है द्वारपाल। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल तंजोर का मंदिर मदुराई में है, महाबलीपुरम एंड कांचीपुरम, दक्षिण भारत जो है ना मंदिरों का एक तरह से जमावड़ा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ गंधारा आर्ट स्कूल, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी इन अ रियलिस्टिक मैनर विद मिन्यूट अटेंशन टू द फिजिकल फीचर, बुद्धा इमेजेज एक्सजिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग इन हिज फेस, द मेन थीम वॉज हीनयाना बुद्धिज्म। चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि गंधारा जो है वो कनिष्क, तो हीनयान कहाँ से आ जाएगा, तीन तो ऐसे गलती हो जाएगी, एक भी गलत है, एक सही है, दो गलत है। देखिए जो गंधारा, वो जो है ना गंधारा स्टाइल, उसके बाद द होम ऑफ द गंधारा आर्ट स्कूल, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज टेरिटरी इन एन एंड अराउंड पेशावर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। द बेस्ट ऑफ द गंधारा स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी AD। इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स, बट द रियल पैट्रन ऑफ द स्कूल आर्ट शक और कुषाण थे। इसके जो रियल पैट्रन थे कोई, तो शक और कुषाण, पार्टिकुलरली कनिष्क बहुत बड़ा इसका संरक्षक था। गंधारा आर्ट वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीक रोमन एलिमेंट, इट्स अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीको रोमन एलिमेंट्स। स्पेसिसमैन ऑफ गंधारा स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला, पेशावर एंड सेवरल प्लेसेस थ्रू आउट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द गंधारा स्कूल ऑफ स्कूल मेड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा इन वेरियस साइजेस, शेप, पोस्चर। द रिलीफ डिपिक्टेड बुद्धास बर्थ, जो उनके जन्म से, उनके रिनाउंसिएशन से, उसके प्रीचिंग से जुड़ा हुआ था। सेलेंट फीचर्स बात कर लेते हैं अब डायरेक्ट गंधारा की। देखिए गंधारा स्कूल आर्ट ऑफ मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के आकार का जिसमें रियलिस्टिक मैनर बनाया गया था। द मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी इन ए रियलिस्टिक मैनर विथ मिन्यूट अटेंशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे कि मसल्स, मुस्टास, कर्ली हेयर, तो मनुष्य के जैसा, जैसे पिकासो लोग बनाता था, ठीक है, एंजल, माइकल एंजलो, ये सब उसी की तरह। द थिक ड्रेपरी विद अ लार्ज बोल्ड लाइंस, थिक ड्रेपरी होता था, लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइंस, रिच कार्विंग, एलोवरेट ऑर्नामेंटेशन, तो एलोवरेट ऑर्नामेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। द मेन थीम ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज अ महानिज्म, महायानिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा। तो बात तो सही है कि मेन थीम जो था वो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वो था महानिज्म। अब हम बात करेंगे जस्ट इसके थोड़ा सा आगे जाके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। देखिए स्कूल ऑफ आर्ट दैट डेवलप एट मथुरा, ध्यान रहे मथुरा में ही डेवलप हुआ, जो कि अभी मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको मथुरा आर्ट कहा गया है। इट फ्लोरिश इन द फर्स्ट सेंचुरी AD, मतलब ये कंटेम्प्ररी है, मथुरा और गंधारा एक दूसरे के कंटेम्प्ररी है, वो भी। इट्स अर्ली फेज, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ऑन इंडिजीनियस लाइन, ये स्वदेशी था पहले, पूरा तरह से स्वदेशी था, मतलब एक तरह से भारतीय पहचान था उसमें। बुद्धा इमेजेज एग्जिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग, इसमें स्पिरिचुअल फीलिंग बहुत ज़्यादा होता था, इन हिज फेस विच इज लार्जली एब्सेंट इन गंधारा, जो कि गंधारा में दिखता नहीं था, क्योंकि गंधारा में तो फिजिकल बहुत ज़्यादा था, भौतिक ज़्यादा था, मतलब उसमें आप रिलीजियस फीचर्स नहीं देख सकते थे। मथुरा स्कूल कार्व आउट द इमेज ऑफ शिव, विष्णु अलोंग विद देयर कॉन्सोर्ट ऑफ पार्वती, लक्ष्मी, द फीमेल फिगर ऑफ द यक्षिणी एंड अपीयर्स ऑफ मथुरा स्कूल आर वेरी ब्यूटीफुल कार्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग थमेक स्तूप, थमेक स्तूप के बारे में। इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज लोकेटेड इन सारनाथ, इट मार्क्स द स्पॉट वेयर द बुद्ध गेव द फर्स्ट सर्मन ऑफ हिज 5 डिसाइपल। पहले तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है नहीं, और दूसरा तीसरा सही है, दो और तीन।
धमेक स्तूप की बात करें तो इट इज लोकेटेड सारनाथ, 13 किलोमीटर दूर है वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। शुरुआती में इसका अगर निर्माण देखा जाए तो 249 BC में कराया गया था अशोक के शासनकाल के समय, जो कि मौर्य राजा थे। मैसिव था, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था उस समय, हालांकि समय दर समय इसमें बदलाव हुए और भी एक्सपेंशन होता चला गया, कुछ जुड़ते चले गए इसमें। सिलेंड्रिकल शेप था ये, सिलेंड्रिकल इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप था, अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप रेड ब्रिक्स से बना हुआ है, पत्थर रेड ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्रेट प्लेस इज दैट इट मार्क्स द स्पॉट वेयर द लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन टू हिज 5 डिसाइपल आफ्टर अटेंडिंग द एनलाइटमेंट इन बोधगया। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? नो, इट इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Consider the following statement. Pallavs introduced the art of excavating temples from the rock. Kailasnath temple at Kanchi is the greatest architectural masterpiece of Pallav art. पहले बात तो Kailasnath temple कांची में है नहीं, और पल्लव के द्वारा शुरू किया गया, ये बात सही है। एक और दो दोनों सही दिया। कांची में कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ से आ गया? कांची ये तो महाराष्ट्र में है ना, दैट लेट्स सी। पल्लव आर्किटेक्चर की बात करें, पल्लवों ने ही इंट्रोड्यूस कराया था एक तरह से, पत्थरों को काट कर, चट्टानों को काट कर एक्सकेवेटिंग करना, ठीक है, एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम रॉक। इनफैक्ट द द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिन विद द पल्लव। सही ढंग से अगर कहा जाए तो जो द्रविड़न स्टाइल ऑफ द टेम्पल है उसका शुरुआती अगर स्टार्टिंग कहा जाए तो पल्लव रूलों के द्वारा हुआ था, पल्लव शासन के समय। इट वॉज ग्रेजुअल इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द केव टेम्पल्स, शुरुआत में केव टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथ एंड कल्मिनेटरी स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर भयानक बनाए गए। डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द पल्लव्स कैन बी सीन इन 4 स्टेज, 4 अवस्थाएँ हैं इसकी। महेंद्र वर्मन प्रथम, सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इंट्रोड्यूस द रॉक कट टेम्पल्स। द स्टाइल ऑफ पल्लव टेम्पल्स आर सीन एट प्लेसेस लाइक जैसे कि मंडपा, मंडागा पट्टू, महेंद्रावादी, ममंदूर, ढालवनार, तिरुचि, पल्ली, वल्लम, सियामंगलम, तिरुकालाकुलरम। ये तो था महेंद्र वर्मन प्रथम। सेकेंड फेज कहें तो पल्लव आर्किटेक्चर का इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोनोलिथिक रथ मंडप, जो कि मामल्लपुरम में देखेंगे आप। नरसिंह वर्मन प्रथम टुक द क्रेडिट टू फॉर दिस वंडरफुल आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स। 5 रथ जिसको कहते हैं पंच पांडवा रथ, नरसिंह वर्मन प्रथम सिग्निफाइज 5 different स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द मंडप या मंडपास कंटेन ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑन इट्स वॉल, बहुत ही सुंदर बेहतरीन नक्काशी किया गया। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस मंडप्स आर महिषासुर मर्दनी मंडपा, त्रिमूर्ति मंडपा एंड वराहा मंडपा। 3 मंडपा याद रखिएगा, एक महिषासुर मर्दनी मंडपा, त्रिमूर्ति मंडपा और वर्षा मंडपा। इन द नेक्स्ट स्टेज राजसीमा इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल टेम्पल। दिस टेम्पल्स आर बिल्ट बाय यूजिंग सॉफ्ट स्टेंड रॉक्स मतलब बालू पत्थर से। द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, कैलाशनाथ टेम्पल कांची एंड 4 temples एट मामल्लपुरम रिमेन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ऑफ द पल्लवास। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है, 4 temples मामल्लपुरम में, 4 temples एट मामल्लपुरम फाइनेस्ट एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का, पल्लवों का।
कैलासनाथ टेम्पल एट कांची इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ द पल्लवा आर्ट. द लास्ट स्टेज ऑफ पल्लवा आर्ट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बिल्ट बाय द लेटर पल्लव वाईकुंड्रा कुंड्रा परम पेरुमल टेम्पल. वाईकुंड्रा अप्रूम मरुमल टेम्पल मुक्तेश्वरा टेम्पल मातांगेश्वरा टेम्पल एट कांचीपुरम बिलोंग्स टू द स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ नटराज इज एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ विच डायनेस्टी. चोला नटराज इज अ डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड शिव. भगवान शिव को दिखाया गया उसमें डिवाइन कॉस्मिक डांसर. हिज डांस इज कॉल्ड तांडवम या फिर नंदता. तांडवम नृत्य के बारे में यूपीएससी मेंस में सवाल पूछी थी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डांस. द क्लासिक फॉर्म ऑफ द डिपिक्शन अपीयर्स इन स्टोन रिलीफ एज एट द एलोरा कैप्स. जो क्लासिकल फॉर्म है ऑफ द डिपिक्शन अपीयर्स इन स्टोन रिलीफ एज द एलोरा कैप्स एंड बदामी कैप्स अराउंड 6th century. अराउंड 10वीं शताब्दी के आसपास इट इमर्ज इन तमिलनाडु इन इट्स मैच्योर एंड बेस्ट नन एक्सप्रेशन इन चोला ब्रोंज और द वेरियस हाइट्स टिपिकली लेस देन 4 feet. हालांकि ध्यान रखें 4 feet से कम ही होता है. The most common form of the Shiv dance are Lasya, the gentle form of dance associated with the creation of the world, दुनिया के निर्माण को दिखाया गया उसमें, and Tandava, the vigorous form of dance. दो डांस, एक Lasya dance, Lasya वाला, दूसरा Tandava वाला, vigorous form of dance associated with the destruction of weary and worldwide. Weary perspective and lifestyle. With the reference to the various mudras of Buddha. अलग अलग मुद्रा में दिखाया गया बुद्ध को, उसमें विचार करना आपको. कर्ण मुद्रा denotes the fiery thunderbolt that symbolizes the 5 elements air, water, fire, अर्थ मेटल. एक कर्ण मुद्रा को दिखाता है फियरली थंडरबोल्ट डेट सिंबलाइज. उसका वरा मुद्रा या वरदा मुद्रा रिप्रेजेंट ऑफरिंग वेलकम चैरिटी गिविंग कंपेशन सिंसियरिटी. जो वरदा मुद्रा होता है ना उसमें आप प्रार्थना करते हैं वेलकम करते हैं चैरिटी करते हैं कंपेशन करते हैं सिंसियरिटी करते हैं क्या. और एक है वितारका वित्तारका मुद्रा सिग्निफाइज द डिस्कशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा. ओके व्हिच आर द करेक्ट यू नो अबाउट दैट. 2 and 3 इज राइट. कर्ण मुद्रा जो है ना इट सिग्निफाइज द वार्डिंग ऑफ द इविल warding of evil which is performed by raising the indexed little finger ko aur index finger ko. ye hai karna mudra by raising the index and little finger index finger aur little finger ko aap raise karke dekhiye kaisa ban raha hai. theek hai warding of evils which is performed by raising the index by folding the other fingers. बाकी सभी उंगलियों को मोड़ लीजिए और दो फिंगर एक इंडेक्स फिंगर और एक लिटिल फिंगर को खड़ा कर लीजिए. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सिकनेस और नेगेटिव थॉट्स. अगर आपको नेगेटिव थॉट्स से और कमजोरियों से बचना है तो इस फिंगर को इस तरह से करके रखिएगा ना तो आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगा. कर्ण मुद्रा में अब आते हैं वरदा मुद्रा में. वरदा
दिस मुद्रा रिप्रेजेंट ऑफरिंग, वेलकम, चैरिटी, कंपेशन, सिंसिटी। इसमें आप हाथ जोड़े हुए दिखा सकते हैं शायद, आई थिंक दिस इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स इन विच द पाम ऑफ द राइट हैंड इज फेसिंग फॉरवर्ड एंड फिंगर्स एक्सपेंडेड एंड लेफ्ट हैंड। तो इसमें शायद इन विच द पाम ऑफ द राइट हैंड जो दायां हाथ का जो हथेली है उसको क्या कर दीजिए, फैला दीजिए, ऑफ द राइट हैंड इज फेसिंग फॉरवर्ड सामने की तरफ एंड फिंगर्स एक्सटेंडेड एंड लेफ्ट हैंड पाम प्लेस्ड नियर ऑन फेलोज विद द एक्सटेंडेड फिंगर्स। ये हो गया वरदा मुद्रा, ये हो गया वरदा मुद्रा। अब आते हैं वितरका मुद्रा, वितारका मुद्रा। इट इज सिग्निफाइज द डिस्कशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। इट इज परफॉर्म जॉइनिंग द टिप्स ऑफ थंब, जॉइनिंग द टिप्स ऑफ थंब एंड इंडेक्स्ड फिंगर टुगेदर व्हाइल कीपिंग द अदर फिंगर्स स्ट्रेट विच इज जस्ट लाइक द अभय मुद्रा एंड वद्रा मुद्रा या वरदा मुद्रा। बट इन दिस मुद्रा द थम्स टच विथ इंडेक्स फिंगर, लेकिन थम्स जो है इसमें टच करना चाहिए इंडेक्स फिंगर, इस तरह से इसको बोलते हैं वितरका मुद्रा। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें बुद्ध की शिक्षा और उसके टीचिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल, दिस इज वितरका मुद्रा। लोमस ऋषि केव इज डेडिकेटेड टू, लोमस ऋषि ये तो आजीविका को समर्पित था। लोमस ऋषि केव इज वन ऑफ द मेन मेड बारबर, बराबर नॉट बारबर, बराबर केव इन द बराबर और नागार्जुना हिल्स इन बिहार। लोमस ऋषि की जो गुफा है वो बनाया गया है बराबर केव्स में, और बराबर और नागार्जुनी हिल्स में बिहार में। रॉक कट केव्स वॉज कार्व आउट एज ए सेंचुरी, इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड, अशोक के समय बनाया गया था, ऑफ द मौर्यन एम्पायर 3rd century BC के समय, एज पार्ट ऑफ द सेक्रेट आर्किटेक्चर ऑफ द आजीविका एन एंशियंट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ग्रुप ऑफ इंडिया। लोमस ऋषि केव लैक्स एन एक्सप्लिसिट एपिग्राफिकल डेडिकेशन, इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सजावटी नहीं है टू द आजीविका। कंट्रेरी टू द मोस्ट ऑफ द अदर बराबर केव्स मे अदर हैव बीन बिल्ट बाय अशोक फॉर द बुद्धिस्ट, हो सकता है अशोक के द्वारा और भी बुद्धिस्ट केव बनाए हुए हैं, लेकिन ये लोमस ऋषि जो है ना ये एक्सप्लिसिटली लैक्स करता है एपिग्राफिकल डेडिकेशन, ठीक है। फेसेड ऑफ द रॉक कट केव इन द फॉर्म ऑफ दैट थेस्ट हट, हट सपोर्टेड बाय द टिम्बर्स स्ट्रूट्स एंड डोरवे दैट इज इंटेक्टली कार्व टू रिप्लिकेट टिम्बर आर्किटेक्चर। इट ईब्स आर कार्व एंड फाइनल इज अ फिनियल इज इन शेप, फिनियल शेप में बना हुआ है एज अ पोर्ट की तरह। द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द on the carved architecture consisting of carving the elephants on their way to stupa like structure, darwaja mein ghusiyega na tab pata chal jayega lomas ki gufa। to bane rahiye, dekhte rahiye, seekhte rahiye, aage badhte rahiye। thank you।